देख रहे हो भाई साउंड कितना प्यारा आता है जीनोसो का भाई, इसलिए तो तुम्हारा भाई इसका फैन है। बेस खतरनाक खतरनाक भाई, क्या हो गया, क्या हो क्या भाई, वो है खतरनाक भी एकदम प्यारा भाई। तो हे गाइस, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आयुष सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो गाइस आगे फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो पीछे हो रहा तगड़ा वाला अंधेरा, और एक बार इधर भी चेक कर लो भाई, सिग्नेचर भी आते हैं क्योंकि मीटअप पॉइंट अपना यही है भाई। भाई बहुत तगड़ा अंधेरा हो रहा है और अभी बज रहे सुबह के 5 और भाई तैयारी हो गई है प्यारी सी राइड की। तो भाई आज की राइड कहाँ होने वाली, आज की राइड होने वाली भाई अपनी व्हाइट हाउस। तो भाई अपने साथ कौन कौन है, कुछ बाइकें नई भी जुड़ी हैं, कुछ पुराने हैं, पुराने सारे यही हैं, बाकी नई जुड़े हैं और समीर भाई हमारे चले गए। समीर भाई आ जाओ भाई एक राइड पे। तो भाई गाइस एक बार ये चेक करो लाइनअप अपना, सारी की सारी बाइकें नई आ चुकी है, चेक करो R15, दूसरी R15 390 भाई, वैनम राइडर से भी खतरनाक लग रही है, ऑल ब्लैक है पूरी की पूरी। बाकी भाई अपनी M1000 RR जो कि R15 M है, बाकी अपनी पांडा खड़ी है, ये 390 अर्पित भाई की नई आ चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई को, भाई ये चेक करो R15, ये भाई सलमान भाई की 390, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, आज की दावा तुम्हारी तरफ से ही है। हाँ बिल्कुल। बर्बाद हो लोगे, वैन तो बिक जाएगी वहीं पे। आज ज्यादा हो गए भाई। गाइस ये अपनी आई के भाई की, ये अपनी चरण भाई की, ये RC, ये फैजान भाई की, और ये भाई अपनी दूसरी 390। तो गाइस बाकी ये एक बार दूर से भी लाइनअप चेक कर लो, है भाई खतरनाक सा। तो गाइस भाई भाई लाइनअप चेक कर लिया, और एक बार सिग्नेचर का व्यू भी चेक कर लो, देख रहे हो खतरनाक आ रहा भाई। गाइस सामने चेक करो, है खतरनाक भी एकदम प्यारा भाई। चलते भाई इस व्यू को छोड़ के सीधे चलते भाई यहाँ से ब्लॉगिंग सेटअप पे, और बार खतरनाक वाला ब्लॉग शूट करते हैं। तो चलते गाइस मिलते हैं आप सीधे ब्लॉगिंग सेटअप पे, और तगड़े तगड़े स्टैंड भी देखने में, बट अपने दानिश भाई की बाइक नहीं है तो दूसरी बाइक पे स्टैंड करेंगे। तो चलते गाइस यहाँ से आपसे ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस आ चुके भाई अपने व्लॉगिंग सेटअप पे, और भाई ये चेक करो तगड़े तगड़े लीन बज रहे हैं, देख रहे हो भाई सारे के सारे बाइकर फुल फॉर्म में, और सलमान भाई नई बाइक के साथ। भाई आज के सीन भी बड़े क्रेजी होने वाले हैं, तो भाई व्लॉग में बने रहना है। यो सो गाइस आज जा रहे हैं, आपको पता चल ही गया है, हम जा रहे भाई आज व्हाइट हाउस। तो भाई वहाँ की भी थोड़ी हरियाली चेक करेंगे। वो वहाँ भी चल के भाई फुल तबाही सीन होने वाले हैं। सो गाइस एक बार भाई सामने चेक कर ही सकते हो कौन कौन सी बाइक है आज अपने साथ। बाइक है R15, मुझे बड़ी प्यारी लगी, और शुभम मोदा देख के खुश हो जाता है R15 को, इसको बड़ा ही प्यारा रैप करा रखा है, सिंपल की सिंपल, और लुक्स का लुक्स बेटर भाई, बंदे हैं 1000 RR बनवाते हैं वो। तो गाइस भाई लाइनअप चेक कर रही था, हमारे लाइनअप में भाई ये Z900 कहाँ से घुस गई, बट भाई साउंड चेक करो, वो एरो फुल सिस्टम है, खतरनाक साउंड, खतरनाक ब्रो खतरनाक, मुझे लग रहा क्रैश करके आ रहे हैं सीधे। देख रहे हो भाई साउंड कितना प्यारा आता है Z900 का भाई, इसलिए तो तुम्हारा भाई इसका फैन है। बेस खतरनाक खतरनाक भाई, ये कहाँ से आ गई बीच में हमारे लाइनअप में। भाई एक बार इनका क्रैश गार्ड चेक करो भाई, मुझे लगता है सुबह से ठुक गए कहीं पे, बड़े भैया का पोपड़ बन गया। भाई गजब गजब क्रेजी साउंड है यार, मैं वही सोच रहा हूँ साउंड कहाँ से आ रहा है, और चल कितनी प्यार से आ रहा है, आराम से स्लोली स्लोली। भाई गजब गजब टायर का साइज देख रहे हो यार, थोड़ा वाइजर खोल के और देख लेते हैं। सो गाइस मजा आ गया भाई Z900 देख के, बाकी गाइस करते हैं उसको इग्नोर, अब निकलते सीधे यहां से
क्रिश के पास। क्रिश भी आगे खड़ा है भाई करोल बाग। सो भाई निकलते भाई। ओहो ये क्या दिख गया, ये चेक करो भाई NS 200, कलर बड़ा प्यारा है, हेलमेट से मैचिंग भी है। चलें बाय गाइस। फैजान भाई ये व्हीली चेक करो। ओहो पेड़ वेड़ सब गिर गए आंधी तूफान में। सो गाइस भाई अब आ चुके हैं सारे के सारे बंदे, क्रिश भी आ गया, सब आ चुके हैं और आप जा रहे हैं सीधे व्हाइट हाउस। और बीच में कहीं नहीं रुकने का इरादा, थोड़ा बहुत कहीं रुकेंगे भाई गाइस, कहीं नहीं रुकेंगे। और दानिश भाई के हाथ में आ चुके 390। अब भाई अर्पित की ले लेंगे कह के मुझे लगा। तो गाइस आज भाई जुबेर भाई की बाइक का नहीं पता कहाँ है। सो गाइस ये चेक करो भाई, हम ही रह गए, बाकी कहाँ गए। तो भाई ये जाकर भाई ड्यूक NS, ये रही ड्यूक भाई। गाइस व्यू बड़ा ही प्यारा हो रहा है सामने भाई, मौसम चेक कर रहे हो, देख रहे हो कितना प्यारा व्यू आ रहा हो भाई, गजब गजब। हाँ सो गाइस भाई पहले तो लगी नहीं, अब की बार देखते हैं इमरान भाई की रोलिंग लगेगी नहीं लगेगी। भाई गाइस इनका भी ब्लॉग बना रहा हूँ, ये चेक करो। भाई अभी देखते हैं लगेगी नहीं लगेगी, मुझे लग रहा है गाड़ी मैंने चिपक जाए किसी में। और इतने पास से रोलिंग कौन मारता भाई, इतने पास से कौन मारता, दूर जाओ ना। सो गाइस आ चुके हैं भाई वापस अपने ब्लॉगिंग सेटअप पे, सारे के सारे भटक गए थे यार, सब एमबीएंस निकल गए थे गलती से क्योंकि वो सोच रहे वही वाला रूट है अपना, बट अब सारे के सारे वापसी आ चुके हैं। कुछ रह गए बाकी तो आई गए, ये चेक करो भाई कुछ रह गए पीछे ही, बाकी गाइस वापसी आ गए। तो भाई आज का जो सीन है तगड़े होने वाले हैं, व्हाइट हाउस के आगे जो स्टंट लगने वाले हैं ना तगड़े, क्योंकि भाई कोई हो ना हो अपने दानिश भाई तो हैं ही अपने साथ, व्हीलियाँ वो दिखा देंगे, रोलिंग हम दिखा देंगे, काम मिल जाएगा। ओहो रास्ते में व्हीलियाँ चल रही हैं, अर्पित तेरी बाइक का क्या होएगा। ओहो ये कहाँ से आ गया बीच में, चरण भाई का कट लगा भाई, थोड़ा बच गए। ओहो सलमान का राइडर के हाथ में आ गए 390। भाई सलमान के हाथ में हमने 390 क्या दे दी, सलमान तो बावला हो गया भाई। गाइस दानिश भाई व्हीली पेल ले, अर्पित को बिठा के इसी पे। सो गाइस कैसा लग रहा व्लॉग, आई होप सभी को अच्छा लग रहा भाई। यार लीन तगड़े लग रहे हैं, कुछ लगे ना लगे देख रहे हो, यहाँ पे इसी का मजा यार, रोड बहुत प्यारे हैं भाई, घिस जा रहा। ओहो ये घिसा भाई मुझे दिखे, ज्यादा आराम से इसकी बहन का पूरी लेट रही है, टायर खत्म है, चिपका देगी कहीं भी। भाई अलग ही सीन चल रहे बंदे, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं आज की राइड पे सारे के सारे। तो भाई ये गुस्सा कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं यार, आज की राइड का सीन ही अलग है मुझे लग रहा है। अरे यार ओहो अर्शद कहाँ निकल रहा मेरे भाई। भाई पब्लिक रिएक्शन ऐसा आता है ना ग्रुप में, तगड़ा ही एकदम। बहन क्या जा रहा है ये, तो गाइस चेक कर रहे भाई व्हीली हीली यू ही लग जाती है और रेड लाइट खत्म हो व्हीलियां चालू। चरण भाई तुम कहां रहोगे, लेस वो भाई मजा आ रहा है यार आज की राइड पे, तगड़ी लग रही व्हीली व्हीली सब लग रही है भाई, ज्यादा तगड़ी लग रही क्यों, क्योंकि भाई
लेट हो चुके पहले ही बहुत, देख रहे हो टाइम कितना हो गया, धूप निकल गई भाई सर पर अभी तक जा ही नहीं पाए नहीं, इतने टाइम तक तो हम हमेशा पहुंच जाते थे और आज अभी पहुंचे ही नहीं है। तो भाई क्या हो गया, क्या हो क्या भाई, चरण भाई गिर चुके हैं पर लगी तो नहीं। भाई भाई चरण भाई बहुत बुरी तरह गिरे, कैसे गिरे अब किसने मारी, अर्शद भाई ने। हो भाई इसलिए मना करता हूँ यार, ऑन रोड कोई भी ना स्टॉप स्टॉप ही मत मारा करो। अर्शद भाई ने मारी स्टॉप ही, बुलेट नीचे, चरण भाई नीचे, अब बस चोट ना लगी हो। टप्पा आगे गिर तो यू बड़े धूम, अरे ये गई अंदर बस और कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। अब आगे पीछे देख के मारा करो, या तो परफेक्ट हो तुम्हारी स्टॉप ही तो ठीक है, तुम बैठो कहीं भी घुसेड़ देते यार। दानी जाए तुम किधर थे, तुम किधर थे, दूर थे ना हमारे बाहर भी तो अबे यार पीपीआर के पास तू भी था क्या आगे, मैंने देखा टप टप्पा खा गया, मैं दूर था। हमें पता सेठ दादा कहीं ना कहीं स्टॉप मारेंगे यार, वो नहीं मारेंगे। हां बेटे भाई तुम्हारी मतलब लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आ जा घुस जा मेरी गाड़ में, तुम्हें यही सीन करना। तुम्हारी गाड़ी में क्या हुआ है, मेरी में क्या, मैं तो दूर था, मेरी में थोड़ी लगी है। अबे अर्शद की मैं कहीं बीच में घुसेड़ता ही नहीं हूँ और क्या, ये सोच रहा मेरे में घुसी है। और मारोगे तुम, और दोगे तुम होटल और देना फिर से बोल रहा हूँ काली बिल्ली रास्ता का। सो गाइस अभी का भाई ये सीन था, आपने देख लिया क्या सीन था भाई, चरण भाई ठुक चुके थे किसमें, अर्शद में, ये रही अर्शद की 390 के अंदर, क्या हुआ अर्शद ने मार दी भाई स्टॉप ही रेड लाइट पे, चरण भाई अचानक से पीछे घुसे बम। अब भाई चोट नहीं लगी, अच्छा है सेफ है, पर गाइस देख के मारनी चाहिए, यहाँ भी रोलिंग मार रहे हो तुम कुछ भी मारे देख के मारनी चाहिए, बट अर्शद कहीं भी शुरू हो जाता है क्योंकि अभी नया नया क्रेज है ना उसके अंदर, इसलिए नया सीखा लौंडा तो थोड़ा होता भाई नए नए पे, बाकी भाई फिर भी देख के मारो सेफ, सेफ्टी से चलाओ अपनी बाइक वाइक को, फिर पता चले अभी तो चरण भाई घुसे फिर अर्शद भाई तुम्हें घुस जाओ, तो थोड़ा सेफ्टी से भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, राइड कर दें कंटिन्यू। अब ये रहे अपने चरण भाई, बेचारे की बुलेट में लग चुके, इसलिए कहते हैं राइडिंग जैकेट इंपॉर्टेंट है, तो भाई राइडिंग जैकेट ले लो नेक्स्ट टाइम पे पक्का। व्हाइट हाउस हो गया, मोबाइल हाउस हो गया, पता ही नहीं कितनी दूर रह गया यार, काफ़ी दूर आ गया, अब कहाँ पे है ये व्हाइट हाउस। बाकी यार मौसम बहुत फिर से ऑसम हो गया, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल आई थी फिर से मौसम सही हो गया, बाकी यार जो भी है जल्दी जल्दी व्हाइट हाउस आ जाए, काफ़ी लेट हो गए आज। ओह ओ आज की राइड यार लगी बेकार हो गई, जैसे बोलते हैं ना मज़ा नहीं आया इतना, स्टार्टिंग बड़ा मज़ा आ रहा था बट फिर सारे के सारे कुछ एम्बियंस पहुँच गए, कुछ कहीं पहुँच गए, कुछ वापसी आए, फिर उसके बाद अब सारे के सारे व्हाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, बीच में चरण भाई की बुलेट ठुक गई अर्शद में, वाह पता ही नहीं क्या सीन हो रहे हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, स्क्रिप्टेड लोग बनाते हैं उससे तो अच्छी है भाई। ये चेक करो चरण भाई बॉडी बिल्डर है हमारे चरण भाई, चोट वोट लगी नहीं, फिर से अर्शद के पीछे, अर्शद के पीछे चरण, अर्शद के पीछे अर्शद के पीछे चरण भाई, ओ चरण भाई अर्शद के पीछे ही थे तुम, फिर से अर्शद तुम्हारी आगे था, फिर से अर्शद के पीछे क्यों पहुंच गए तुम, तुम्हारे आगे आगे अर्शद ही चल रहा। चलो ओ माय गॉड लूसीफर हियर, अरे दद्दा कहाँ थे,
गूगल पे देख रहा हूँ कि कहाँ पहुँचा। अबे चरण भाई घुस गए यार। सो गाइस चेक करा भाई, लूसीफर भी आ चुका है रास्ते में। वो भाई हम ही देख रहा हम कहाँ हैं और हम अलग ही दुनिया घूमने जा रहे के सारे। बता रहा हूँ भाई, इस बार की रेड में सबके सब बिछड़ चुके हैं अलग। वो तो गाइस भाई ये चेक करो, आ चुके हैं व्हाइट हाउस। यही है क्या व्हाइट हाउस? क्या है भाई यहाँ ऐसा? सब कुछ व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा है यहाँ, इसलिए है व्हाइट हाउस। ये चेक करो भाई, बाकी रोड मिल गया यार, यहाँ रोड पर थोड़े स्टंट तो हो ही जाएंगे। बाकी देखते हैं भाई क्या सीन रहने वाला है। एक बार ये नज़र मान लो व्हाइट हाउस पे, इसी यही अपनी लोकेशन थी। सब कुछ वाइट ही वाइट है भाई। ये छोटा सीपी है क्या दूसरा? तो वो भाई इस पर कोई स्टैंड मत कर देना, नहीं फिसल के बहुत बुरे गिरोगे। ठीक है भाई, बाकी आगे देखते हैं भाई, यहाँ तो कुछ खास दिखा नहीं। चट गैंग नहीं बनाते गैंग रहने करे दे। ओ हो शेर चीते। हो बेड़े देख रहे हो गाइस, व्हीली व्हीली रोलिंग पोलिंग एक दो मारी है भाई गाइस, लगाते पार्किंग में अपनी। सो फिलहाल गाइस ये सीन है भाई, आ चुके हैं व्हाइट हाउस, जो कि अपने ब्लॉग में सेटअप भी देख लिया। एक बार ये चेक कर लो, यही था भाई जो था। और गाइस एक बार भाई इन पे नज़र मारो भाई, ब्यूटीज पे देख रहे हो भाई, कितनी ही प्यारी लग रही है। सारी की सारी KTM रास्ते में खड़ी कर रखी हैं, लग रही हैं गजब। एक नंबर सीन है भाई, कुछ भी कहो, देख रहे हो। तो ये सीन था भाई, देखा भाई कैसा लगा व्लॉग, आई होप सभी को अच्छा लगा। देख रहे हो भाई यही था व्हाइट हाउस, हम तो सोच रहे कुछ अच्छा होगा, हमने देखा नहीं था भाई। गाइस सागर तूने देखा, तूने भाई धोखा दे दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो सब। एक बार और देख लो भाई, अब यहाँ से कर दें इस व्लॉग को यहीं खत्म, कि भाई बोर हो गए यहाँ पे, कुछ भी नहीं ना खाने को ना कुछ। अगर इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।